विदिशा जिले के सिरोंज में बारिश का दौर अब थम गया है, लेकिन मौसम में उमस और हल्की गर्मी है, जिसके चलते इस मौसम में वायरल बुखार, सर्दी, जुखाम, उल्टी और दस्त जैसे कई बीमारी बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण मच्छरों का बढ़ जाना बताया जा रहा है। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसमें मच्छर का लार्वा पनप रहा है और यही मच्छर लोगों को काट कर बीमारियां फैला रहे हैं। ऐसे में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले 50% अधिक मरीज पड़ गए हैं। बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की सलाह है कि यदि घर में आरओ का पानी नहीं है और नल के पानी आते हैं तो पानी उबाल कर पिए और वातावरण को सैनिटाइज रखें। समय ओपीडी की संख्या भी बढ़ी है। मौसमी बीमारी में आई इन्फेक्शन, ज्यादातर सर्दी, जुकाम, बुखार, इनके मरीज बढ़े हैं। साथ में उल्टी दस्त के मरीज भी बढ़े हैं। तो लोगों को इसके लिए चाहिए कि पानी स्वच्छ उपयोग करें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, कहीं पानी कलेक्ट ना होने दें और इस तरह की कई चीज़ें हैं। इस समय बुखार के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि इन्फेक्शन भी है, मौसम भी परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे लोगों को क्या सुझाव दिया जाएगा, जो बरसात का जो पानी आ रहा है किस तरीके से पीना चाहिए? पानी को उबाल के पिए, ज़्यादातर कोशिश करें, अगर आरओ है, आरओ नहीं है तो उसको उबाल के और फिटकरी वगैरह उपयोग करके उसको पानी को पिए। उसके अलावा घर के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे जो है तो बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों को भी बीमारी कुछ? बिल्कुल, बच्चों को भी इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तो बच्चे ही होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है, खासतौर पर उल्टी दस्त की समस्या। तो सैनिटेशन, सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओपीडी लगभग 20% के आसपास बढ़ी है, तो वहाँ 30-40 पेशेंट लगभग रोज आ रहे हैं जो मौसमी बीमारी से पीड़ित।